हेलो फ्रेंड्स, वेल आज का जो वीडियो है वो टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च के बारे में है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार इंफॉर्मेटिव वीडियोस इस सब्जेक्ट में आपको मिलती रहेंगी। तो और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना इधर उधर की बातें किए हुए आज की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है आज का, वो है रिसर्च के टाइप के बारे में। देखिए, रिसर्च के जो टाइप हैं वो कई तरीके से होते हैं, अलग अलग बेसिस के बेस पे। आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिविटी के बेस पे, जो है 5 तरह की रिसर्च के टाइप्स हैं। और हम जो है अलग अलग जो रिसर्च के टाइप हैं उनको डिटेल में भी बात करेंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में सिर्फ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में बात करेंगे। क्योंकि अगर इस सारे ही 5 के 5 टॉपिक्स आज ही हमने कर दिए कवर, तो रिसर्च का जो ये टॉपिक है, वीडियो है, काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप पूरा वीडियो तो स्किप कर जाएंगे फिर, और फिर बोरिंग हो जाएगा। तो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं छोटे से छोटे वीडियोस बनाने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप कभी भी अपना 5 से 10 मिनट का टाइम निकालें। और देखिए, चलते फिरते भी 5 मिनट का वीडियो तो कभी भी सुना जा सकता है, 5 से 10 मिनट का, और आपका तैयारी भी हो जाएगी इस तरह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिसर्च ऑब्जेक्टिविटी के बेस पे जो है, इस जो रिसर्च का टाइप है वो दीज आर ऑफ 5 टाइप्स। फर्स्ट इज़ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, सेकेंड इज एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, थर्ड इज कोरिलेशनल रिसर्च, एंड फोर्थ इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, एंड फिफ्थ इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एंड दिस इज द ओवरव्यू ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे जो है ये 5 तरह की रिसर्च होती हैं। एज आई हैव टोल्ड यू, दिस इज़ द ओवरव्यू। इससे क्या होगा, आप ना नोट्स भी बनाते रहिए अपनी कॉपी में, और ये जो है जो कैसे ओवरव्यूज़ हैं, या मैं कुछ ऐसे डायग्राम बना के आपको देती हूँ, तो उससे क्या होगा, आपके माइंड में ये पिक्चर बन जाएगी और आप कभी नहीं भूलेंगे कि ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे कितनी तरह की रिसर्च होती है, या कौन कौन सी रिसर्च जो है ऑब्जेक्टिव के बेसिस की अंडर में आती है। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, कोरिलेशनल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। सो वी विल नाउ इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट इन डिटेल इन अबाउट द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आंसर द क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज व्हाट वाज, मींस डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एक्सप्लेन्स द नेचर। इट कैन बी यूज्ड बोथ इन क्वालिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है वो क्या बताती है, व्हाट इज व्हाट वाज, यानी कि इसके नेचर के बारे में बताती है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कॉज एंड इफेक्ट। इट डजंट टेल्स एनीथिंग अबाउट दैट, इट जस्ट से व्हाट इट इज, जस्ट उसके फीचर्स के बारे में बताती है, जस्ट वो क्या है इसके बारे में। किसी भी ऑब्जेक्ट की कोई भी नेचर, कोई भी फिनोमेना है, उसके नेचर के बारे में बताती है। तो डिस्क्रिप्टिव एज द वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट, डिस्क्राइब करना, डिस्क्राइब मतलब उसके बारे में बताना, है ना। व्हाट इज, कैसा है, क्या था, क्या है, कैसा है, नहीं, क्या है और क्या था, दैट्स इट। वो उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, उसको डिस्क्राइब करने का मतलब ही होता है उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स को बताना, है ना। तो इस जो है ये यानी कि ये रिसर्च क्या करती है, किसी ऑब्जेक्टिव के, किसी वेरिएबल के, किसी नेचर को बताती है। एंड इट इज़ बोथ इन क्वालिटेटिव रिसर्च, इट इज़ जो है ये दोनों ही अप्रोचेज होती हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एक रिसर्च की ये भी एक टाइप है। तो ये दोनों में ही यूज़ होती है, क्वांटिटेटिव मीन्स न्यूमेरिकल बेस, क्वालिटेटिव मीन्स नॉन न्यूमेरिकल बेस। ये तो दोनों ही में, डिस्क्रिप्टिव जो रिसर्च होती है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही रिसर्च में यूज़ की जाती है। नेक्स्ट इज समटाइम्स हिस्टोरिकल रिसर्च, एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च एंड एनालिटिकल रिसर्च आर यूज इंटरचेंजेबली, बट दे हैव लिटिल डिफरेंस। हिस्टोरिकल रिसर्च, इट इज़ डन अबाउट द पास्ट, इट इज़ अबाउट द हिस्ट्री, व्हाट हैज़ हैपन्ड समटाइम्स इन पास्ट। कोई भी चीज़ जो हो चुकी है उसके बारे में हिस्ट्री से रिलेटेड है ये रिसर्च। जो घटना हो चुकी है, जो इतिहास रचा जा चुका है, उसके बारे में रिसर्च करती है ये रिसर्च। एंड लाइक द इवेल्यूशन ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द यूनियंस इन इंडिया, राइट, चेंज इन द एजुकेशन सिस्टम इन लास्ट 10 years in India. These are the examples of किस तरह से unions का development हुआ, किस तरह से form में आई, क्या कैसे ये जो है industry के लिए
फ़ायदेमंद है, सो उसके बारे में डिस्क्राइब करता है ये, है ना, चेंजेस इन द एजुकेशन सिस्टम, क्या क्या चेंजेस हुए. सो दीज आर डिस्क्राइब्स अबाउट द हिस्टोरिकल हिस्ट्री के बारे में, पास्ट इवेंट के बारे में जब हम बात करते हैं तो हिस्टोरिकल रिसर्च वहाँ पे अप्लाई होगी. नेक्स्ट इज एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च. दिस रिसर्च इज डन आफ्टर द इवेंट इज डन और एट द टाइम ऑफ इवेंट और फिनोमेना इज हैपनिंग, यानी कि जब कोई चीज़ हो चुकी है या हो रही है तो उसके बारे में जब हम जानकारी हासिल करते हैं तो वो एक्सपोस्ट फैक्टो है, रिसर्च है. यानी कि इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू नो द इम्पैक्ट ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स एक्सपोस्ट फैक्टो इज डन. एक्सपोस्ट फैक्टो मीन्स सपोज करो कोई गवर्नमेंट है कोई स्कीम लेके आई है, या देखिए सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं आपको देती हूँ मिड डे मील का है. अब गवर्नमेंट जानना चाहती है कि मिड डे मील से वजह से कितना एनरोलमेंट बढ़ा है स्कूल्स में, प्राइमरी स्कूल्स में, एजुकेशन में कितना मतलब इंक्रीमेंट हुआ है, कितने बच्चों का रुझान पढ़ाई की तरफ बढ़ा है, कितने पेरेंट्स का रुझान बढ़ा है. तो इसमें क्या करेंगे, ये इम्पैक्ट है ये डिस्क्राइब करने के लिए कि कौन सी रिसर्च होगी यहाँ पर, एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च होगी. यानी कि जो चीज़ हो चुकी है उसके बाद जो है रिसर्च की जाती है, या एट द टाइम ऑफ द इवेंट इज़ हैपनिंग, तो इसको क्या कहते हैं, एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च कहते हैं. नेक्स्ट एंड लास्ट इज एनालिसिस रिसर्च. इट क्रिटिकली एवेल्यूएट्स द डेटा. जब कोई भी डेटा अवेलेबल है उसका एनालिसिस करना है कि क्या क्या ट्रेंड जा रहा है, किस तरह से कोई डेटा कलेक्ट किया लास्ट से महंगाई का ही डाटा है, कितना किस तरह का बच्चों का एनरोलमेंट बढ़ा गया घटा है, तो उसको क्रिटिकली वो डेटा कंपाइल हुआ है हर जगह से इकट्ठा हुआ है, और उसको क्रिटिकली एनालाइज करना, इवेल्यूएट करना डेटा को, ये क्या कहलाता है, एनालिसिस रिसर्च कहलाती है. सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. अगर ऐसा है तो डू शेयर दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड और आगे नेक्स्ट एक और अच्छा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आएंगे जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके. तो अभी के लिए नमस्कार, आदाब.